ओम शांति। अव्यक्त सिग्नल्स इम्बाइब टोटल प्योरिटी ओम एंड शांति। अव्यक्त सिग्नल, न्यूनेस स्पिरिचुअलिटी अव्यक्त एंड इशारा, द ब्राह्मण डेकोरेशन ऑफ योर ब्रह्मांड जीवन का मुख्य आधार, इज प्योरिटी नवीनता, द अलौकिकता व जीवन चैलेंज ऑफ का ब्राह्मण लाइफ श्रृंगार इज टू बिकम पवित्रता है। ब्राह्मण ए कॉन्करर जीवन ऑफ की लाइफ चैलेंज ही है टू काम मेक जीत, दिस यही इम्पॉसिबल असंभव से संभव बिकम कर दिखाने पॉसिबल की इज द इंडिकेशन श्रेष्ठ ऑफ ज्ञान दिस और एंड श्रेष्ठ नॉलेज ज्ञानदाता की निशानी एंड है। द ग्रेट जैसे स्टोन नामधारी ऑफ ब्राह्मणों की नॉलेज निशानी चोटी और जनेऊ जस्ट है, एज हॉली ब्राह्मिंस वैसे आर सच्चे ब्राह्मणों की इंडिकेटेड निशानी बाय देयर टॉप पवित्रता हैट और एंड मर्यादाएं हैं। सेक्रेट सैश ऑफ थ्रेड। सो यू ट्रू ब्राह्मिंस आर इंडिकेटेड बाय योर प्योरिटी एंड योर कोड ऑफ कंडक्ट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू ओम अव्यक्ति परिवार। शांति। टुडे स्पेसिफिक सभी का स्वागत शिव है। भगवान वाच गॉड शिव शिवा भगवान वाच सर्वेश्वर। सर्वेश्वर द गॉड ऑफ ऑल। नाउ वी विल अब लिसन हम टू दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति सभी को। एवरीवन इज वेल सभी फुल खुश हैं, वेरी ठीक ठाक हैं, दिस अच्छे मॉर्निंग हैं। जर्नी आज सुबह की मुरली वाज सो मच इतनी मेकिंग सोल अवेकन राइट प्यारी थी, प्यारी। ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। हमारी इस रूहानी यात्रा पर बाबा बाबा कीप एक्सप्लेनिंग अस हमें व्हाट टू डू समझाते नेक्स्ट। रहते हैं सो एट दिस टाइम द नीड इज टू कि क्या जरूरत है, और बट हमारी प्योरिटी जरूरत की न केवल पवित्रता बट कंडक्ट लेकिन स्वच्छता भी है। देयर आर सम पीपल आई कई लोग नो होते दैट दे हैं डू क्लीन राइट तो वो समझते हैं वो साफ हैं, बट स्वच्छ एवरीवन हैज सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिंग और हर किसी की एक जैसे स्टैंडर्ड मे है बी सफाई सम से आई की। वांट टू डू डीप क्लीनिंग कई कहते हैं ना, ऑफ हमें बहुत बेडरूम। गहरी सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। देयर इज लॉट ऑफ कनेक्शन ऑफ क्लेंजीनेस तो क्लेंजिंग स्वच्छता एंड प्रोसेसिंग और समृद्धि में काफी ड्यूरिंग टाइम ऑफ उसका आपस क्लीनिंग में एक कनेक्शन है। दे स्टार्ट क्लीनिंग संबंध है। जब हम घर साफ सो करते इट्स हैं नॉट ओनली दे तो न क्लीन केवल साफ करते हैं बट दोज हु वांट टू हैव क्लीन हार्ट लेकिन जो अपना दिल साफ आई करना रिमेंबर चाहते डॉक्टर हैं। वाज शेयरिंग मुझे याद है कोई बता रहा अबाउट था सॉर्टिंग आउट कि वो शुरू कर सेटिंग रहे ड्रॉवर्स थे एंड थिंग्स लाइक सारा दैट कुछ समेटना अपने ड्रॉवर्स वगैरह घर एंड वन ऑफ द ड्रॉवर्स में, दे फाउंड और अ लेटर एक ड्रॉअर में उन्होंने एक खत देखा, विच दे सो लेटर, हैंडरिटन आउट ऑफ एंगर और समथिंग जिसमें बहुत गुस्सा था, गुस्से से एंड लिखा आई हुआ नीड था, टू चेंज इट थ्रो इट राइट। और उन्हें लगा कि ये मुझे फेंकना सो होगा। सम व्हेन दे क्लीन तो कई जब दे साफ फाउंड सफाई एवरीथिंग करते हैं यूजलेस तो वो हर ऑब्सोलीट चीज जो व्यर्थ है, जो कोई काम एंड की सम नहीं वुड है, इवन नेगेटिव है, वो निकाल वॉश देते इट एंड हैं मॉप और फिर वो उसको
साफ करते हैं, रूपा लगा देते हैं। तो बाबा जब कृष्णा की बात करते हैं, मन तन और संबंध के बारे में, और बाबा हमें निशानियां भी बताते हैं कि जब सफाई हो जाती है तो हमें कैसा लगता है, क्या महसूस होता है। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखें खुली, क्योंकि मैंने जब देखा गहराई में, क्योंकि जो स्वच्छता है, सफाई भीतर, वो हमारी सफलता और समृद्धि से संबंधित है। केवल आर्थिक रूप में नहीं, तो मुझे बहुत ही जैसे कि टच हुआ बाबा की बातों से, और मुझे उस पर विचार मैंने किया फिर से कि क्या ये केवल शरीर का ध्यान रखना, उसे मंदिर समझकर, लेकिन इसी के साथ बाबा ने जब कहा रूहानी खुशबू की तरह, रूहानी खुशबू के बारे में जब बाबा ने बात की और आंतरिक संतुष्टता, तो ब्राह्मण जीवन वाकई में हमारा पहला जन्म है, 21 जन्मों में जीवन मुक्ति का जीवन है। मुझे लगता है कि एक तरीका है ये बाबा के साथ, कैसे बाबा कल्याणकारी हैं, रहम दिल हैं, करुणा का करुणामय है। तो जितना हम सोचेंगे कि भगवान कौन है और बाबा ने कितना आसान कर दिया कि कौन है बाबा, जब हम कहते हैं सर्वेश्वर, सबका भगवान एक, माना वो सभी का है और हम उसके हैं, वो सबका है और हम उसके हैं। तो उस तरीके से हमारा संबंध है, और हम केवल बाबा कहें सिंपल तरीके से, और फिर हम समझते रहें कि बाबा हमारा शिक्षक है, सतगुरु है, हमारा दोस्त है, सुप्रीम जज है, ऊंचते ऊंच है बाबा। और बाबा हर एक को उसी आसामी के रूप में देखता है, उसी आसामी में पर्सनालिटी के रूप में। कई बार बाबा कहते हैं कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो, और दुनिया के लिए नई दुनिया, नया युग, बाबा चाहता है जो मालिक हो, बाबा मालिक चाहता है उस दुनिया के। तो बाबा कहते हैं कि तुम देवता सत्युग में नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हें अभी बनना है संगम पर। बाबा कहते हैं हल्कापन जरूरी है, हमें बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ करना है रॉयल तरीके से। तो बाबा स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, और हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो आज मैं कैसे बाबा के बारे में सोचूं? इसलिए कल जब एरिक भाई पूछ रहे थे मेरे से कि हमें किससे प्रत्यक्ष करना है, ब्रह्मा बाबा को या शिव बाबा को, तो जब मैं जवाब दे रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर अलग अलग धर्म की आत्माएं मेरे सामने होंगी तो वो शायद ब्रह्मा बाबा से नहीं जुड़ पाएंगी, लेकिन वो जरूर शिव बाबा से, जो परमात्मा है,
भगवान है उनसे जरूर जुड़ पाएंगे। कई सालों पहले हमने एक कार्यक्रम किया था वन गॉड वन फैमिली, मैं उस पहलू से सोच रही थी और बता रही थी कि मुझे पता था कि जैसे ही हम शिव बाबा का परिचय देते हैं तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा का भी परिचय उसके बाद हम देते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, तो हम कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें? क्या हम सभी को ये महसूस करा सकते हैं कि ये हमारा ही भगवान है, सबका, तुम्हारा या मेरा नहीं? हम कहते हैं कि बाबा के लिए ये ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि मेरा बाबा, लेकिन वो सभी का बाबा है ना, सबका पिता है। लौकिक में भी कईयों के कुछ बच्चे होते हैं, कोई बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, कुछ कम होते हैं, जो भी बच्चे हैं, लेकिन है तो उस बाप के, तो पिता माता पिता तो उसकी पालना करेंगे ही ना। इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया ड्रामा के बारे में कि इतनी वैरायटी आत्माएं हैं, सबका पार्ट है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग और संगम पर सभी आत्माएं हैं। लेकिन हमारे लिए हम जानते हैं कि हम घर जाएंगे और घर में हम साइलेंस में रहेंगे और फिर सत्युग में हम आएंगे, हम उसमें प्यार सद्भाव में रहेंगे, स्नेह के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ इस समय कितनी वैरायटी है ना, लेकिन हर एक, मुझे याद है जब मैं न्यूयॉर्क आई तो इतना वायलेंस था, हिंसा थी उस एरिया में जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ बहुत ही हिंसा, सुबह शाम बहुत कुछ होता रहता था। और दादी प्रकाश पानी, हमने जब उन्हें कुछ बताया तो दादी प्रकाश पानी ने कहा कि हमें शांति स्थापना करनी है दुनिया में, तो हमें शांत रहना है, क्योंकि दुनिया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको कुत्ता रखना होगा, डॉग पेट रखना होगा, या कोई प्रकार की कोई सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। हमने कहा कि नहीं, हम तो योग बल से, हमारी वाइब्रेशन से हम सुरक्षित रहेंगे। और मैं परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ कि इतने वर्ष हो गए हम न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन हम हमेशा सुरक्षित रहे हैं। कोई भी जो अपोजिशन में होता है, जिसे पसंद नहीं है, तो हम उसे बहुत अच्छी शुभ भावना शुभकामना की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा सहयोग दें, लेकिन कम से कम वो हमारे विरुद्ध नहीं होते, वो कहते हैं अच्छे लोग हैं। तो ऐसे कई हैं, लेकिन हमें योग बल और शांति बल यूज करना है। तो जब हमें पता होता है कि सभी भगवान के बच्चे हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, कोई भी हैं, तो मुझे भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति को यूज करना है, इसका उपयोग करना है जो हमें मिलती है। और मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को याद करती हूँ कि कैसे जब पार्टीशन में कितना हिंसा था, कितना वायलेंस था, विशेष महिलाओं के लिए तो बहुत ही मुश्किल थी, और बाबा ने दिन रात तपस्या कराई, गरीब की आत्मिक स्थिति का अभ्यास कराया कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे तो सभी भाई बहन वो अपने वो योग बल योग भट्टी के लिए अपनी अपनी टर्न्स लेते रहे, और हर एक
ना केवल सुरक्षित रहा लेकिन उन्होंने उस प्रकार का उस प्रकार की दोस्ती भी बनाई वहां के जो भी ऑफिशियल्स थे लोकल, तो उस प्रकार से उन्होंने उनको उन्होंने उन्हें भारत भेजा वापस। वहां के लोगों ने उन्होंने शिप दी, उन्होंने हर प्रकार की सुविधा दी, प्रबंध किया ताकि वो घर जा सके भारत। बाबा ने सच्ची हमारे सामने ये मिसाल रखा है बना के, इसलिए जब भी कभी भी कोई परिस्थिति होती है आज तो हमें योग बल और शांति की शक्ति से काम लेना है, क्योंकि अगर क्रोध होगा परिस्थिति में तो वो कभी परिस्थिति सुलझ नहीं सकती, हो सकता है वो केवल थोड़ा टाइम के लिए टेम्पररी हो। तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हर किसी को देखते हुए कि वो परमात्मा की संतान है, चाहे वो कैसे भी है, कोई भी है, तो हमें उस आत्मा को मदद करनी है। ये बहुत ही बड़े चुनौतियां हैं जो हमें हमें इस प्रकार से उसमें काम कर लेना है कि कार्य करना है कि हम अपना मन को शांत रखें, हम स्नेही बने। ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा सभी के लिए है ये सोचे हम, तो किस प्रकार का मेरा व्यवहार होना चाहिए। कोई भी बाह्य जो है बाहर है वो कलयुग है, तो हमें जो उस धरती के जो भी कानून है उसे हमें रिस्पेक्ट करना है और उस पर चलना है। हम परमात्मा का जो भी लॉ ऑफ कर्म है और शांति और स्नेह से बाबा हमारी सुरक्षा कर रहा है और करता रहेगा। इसलिए हम कभी भी किसी भी प्रकार के प्रतिरोध के चक्र में नहीं पड़ सकते, लेकिन हर चीज समस्या को समाधान करेंगे हम सुहानी स्नेह से। हम बाबा के बच्चे, परिवार बाबा का बहुत ही विशेष है। जब हम यहाँ आए तो हम किसी से पैसे नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते किसी कार्य करके, तो जब लोग सुनते हैं तो पूछते हैं कि तो वो क्या सहयोग करें, कैसे जो करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो उनसे मांगते नहीं है, तो किस प्रकार से वो सहयोग दे सकते हैं। तो पूछते रहे दादी से कि हम क्या लिखें, फिर अगर हम बाबा का बॉक्स भंडारी लिखेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा भंडारी क्या है, तो हमने कंट्रीब्यूशन लिखा। जैसे पीस विलेज में जो भी सेवा करते हैं सिखाते हैं तो वो कुछ उसके पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन वो जगह की जो भी मेंटेनेंस वो तो वो सब कहाँ से बाबा उसका भी प्रबंध कराता है। तो जो सेवा करते हैं उनका भी प्रबंध होता है, उनका भी होता है सब ध्यान रखने का, पालना करने का। तो बाबा के जो ये कानून है बहुत ही सिद्धांत है, बहुत ही विशेष है, अनोखे हैं, क्योंकि बाबा किसी को भी डिप्राइव नहीं रखना चाहता। कोई भी बच्चा
बाबा का बिन ज्ञान ना उठाए ऐसा बाबा नहीं चाहता, तो बाबा सबकी पालना करता है, बाबा विश्व का मालिक है। बाबा कहते हैं कि हमें स्वच्छता सफाई जरूर चाहिए ताकि बाबा का भंडारा हमेशा भरा रहे और सेवाएं चलती रहें। तो वो स्वच्छता है उसका आधार, सफाई सच्चाई। और बाबा कहते हैं कि कितना सुंदर परिवार है। 2 साल से हम देख रहे हैं कि सेवा केंद्रों पर कितनी कम गतिविधि रही है, लेकिन फिर भी पालना हो रही है। विशेष जब हम देखते हैं पीस विलेज जैसी जगह जो इतनी बड़ी है, उनकी कितने सारे एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, तो इन सब का जो फैमिली भी है, तो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी पालना जो है वो हो रही है अच्छे से। तो कैसे परमात्मा पालना करता है, एक एक बूंद, लेकिन सच्चाई के साथ। तो कैसे हम अपना दिल करुणामय और सभी के लिए स्नेह, बेहद का प्रेम और शांत स्वरूप कैसे रखें? बाबा को याद करें कि बाबा हमारा सबका है, हर आत्मा उसकी संतान है। चाहे वो मेरा भाई बहन हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा की संतान है। मैं हमेशा ऐसी ही दृष्टि रखती हूँ कि ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है, ताकि वो करुणा और विशाल दिल हमेशा मेरे सोच में रहती है, मेरे बोल में और हर तरीके से। इसलिए वो मुझे मदद करती है सोचने से कि परमात्मा सर्वेश्वर है, सभी का पिता, और हर कोई उसकी संतान है, और हम सब आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माएं, हम एक परिवार हैं और हम आपस में भाई बहन हैं। ओम शांति। Om Shanti, welcome to Om Shanti, अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है, भगवान का साथी। और ये है दादी जानकी के कुछ ज्ञान मोती। Thank you.
तो ये बाबा ने तो एक बारी में ये बाबा की बात सुनाती हूँ, तो बाबा के मीठे मीठे बोल जो है ना इतने अच्छे हैं, इतने पावरफुल है, वो बहुत काम करते हैं। तो मैं पहले नई नई बाबा के पास आई थी, जब नई नई बाबा के पास आई थी तो बहुत लगन से आई थी। मेरे से पहले एक दादी कुमार का मामा, ये सब जो मेरी सब क्लास फ्रेंड थी, सबको जानती थी, मेरे से 1.5 साल पहले आई थी। मैं बंधन में फंस गई थी, पर मेरे बंधन में होते हुए भी बाबा मेरे सामने होता था। एक बारी बाबा ने हमारी लौकिक बहन मेरे से अच्छी आगे चली गई, मेरे से सेकंड नंबर बहन, वो इतनी होशियार हो गई जो बोलते बोलते उसके कान लाल हो जाते थे, बाबा कहते लाल हो जाते थे। तो क्या था, बाबा ने देखा तो ये बच्ची तरफ रही है बंधन में, तो पीछे के दरवाजे से लौकिक बहन आई। बाबा ने संदेश भेजा, लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को, लौट शक्ति। फिर ऐसे बैठी है क्यों, बंधन था ना, ये बहन मिलने आई, पता नहीं लेकर जावे इसको, तो ये यहाँ बैठी है खर्चा के आगे। मेरी तबीयत बहुत असर इस बाबा के लगन में टीबी हो गई थी, डॉक्टर कहे कोई दवाई लो, मैं कहा दवाई मेरे पास तेरे पास है नहीं, मेरी दवाई जो है ना भगवान के पास है। तो इतनी लगन थी, मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी, तो ऐसे बाबा को मेरी खींच हुई उसको भेजा, यहाँ बैठी, लौट सकती देश अपने क्यों बुलाया है ओम को, ऐसे 3 बारी बोल के चली गई। उसी रात को ही मैंने 11 बजे घर में सब सो गए थे, मैंने पीछे के दरवाजे से भाग गई, पीछे के दरवाजे से भाग गई, सीधा स्टेशन पर नहीं गई, कोई मुझे पकड़ के लेके न जावे, दूसरी स्टेशन पर चली गई, पत्र लिखा, समझो जानकी मर गई, भाग के आ गई। फिर वहां 2-4 दिन के बाद उनको बड़ा गुस्सा लगा, बाबा ने अंदर नहीं रखा, लेकिन माँ बाप का घर था वहां, करा वो भी कराची चले गए थे, वहां रखा था भाई। वो आए इतना जोर से चिल्लाया, दोनों पियर घर ससुर दोनों थे, इतना चिल्लाया तुमको कैसे भी करके लेके जाएंगे साथ में, कुदरती मुझे सुन रहे हो, कुदरती मुझे ख्याल आया था तो नीचे पुलिस वालों कह दूं मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ, मुझे बचाना, वंडर था ये, मैंने पुलिस वालों कह दिया था वो करके, तो उन्होंने देखा अब ये नहीं मानती है, तो लौकिक बाप उस घड़ी घर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, वो टाइम ऐसा लिया था, तो फिर क्या किया, मेरे को पकड़ के, वो भाई को तो ताकत थी ना, मुझे पकड़ सकता है ना, पकड़ के नीचे लेके जा रहा था, मैंने छुड़ा के ऊपर भाग किया, बैठी दरवाजा बंद कर दिया, तो कहा शादी कर दूंगा दूसरी, मैंने भले करो, कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैंने भले करो, उसी घरी जाकर के कहा शादी कर ली, भले करो, मेरे को बचाइए बाबा। फिर बाबा ने बहुत बड़ी ख्याल ली मेरी की, हाँ अच्छी बात, कई बातें मेरे बाबा की, पर ये एक मीठा बाबा, जैसे आज बाबा ने, बाबा जब खींचता है ना तो पता भी नहीं पड़ता है शरीर क्या है, संबंध क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया है पराई, पराई से क्या प्रीत, एक पराई दूसरा पुरानी गंदी दुनिया। अरे इसमें मैं जब आई बाबा के पास, तो बाबा तभी कराची में स्कूल के तरह से बेंच थे, जहाँ दादी चंद्रमणि ये पढ़ाते थे,
हरि कुमार का पर बेंच थे, बेंच पर बाबा भी वहाँ बैठ, बाबा हमारे पास आ नहीं सकता था, मतलब गई बातें थी। पर बाबा अचानक आया तो बाबा मैं सामने यहाँ खड़ी हूँ, बाबा यहाँ बैठा है। तभी बाबा टेबल पर, जैसे टीचर टेबल पर बैठ जाता है ना, टेबल पर बैठा था, स्वास्थ्य का निकाल रहा था चक्कर की बात। तो मुझे कहा जनक, तभी से बाबा ने कहा जनक आ गई। तो मैंने रोया, मैंने कहा आ जाओ बच्ची, मैं नहीं आएंगी, आप आओ लेने के लिए। बाबा यहां से उठ के मुझे लेने के लिए आया, प्यार किया। मैंने कहा आपने इतना मुझे, अभी आप कौन हो बाबा, इतना मुझे, कितना गीता पढ़ती थी, मेरे को मार देते थे, गीता पढ़ रही हो, दादा लेखराज को याद कर रही हो, बताओ क्यों गीता पढ़ रही हूँ। बाबा मेरे सामने बैठा है, उनको दिखाती थी मैं गीता पढ़ रही हूँ, पढ़ती नहीं थी, बाबा की याद में चली जा रही थी। तो बाबा की जो कशिश है ना, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने की, वंडरफुल कलश है। अभी ऐसा कोई अनुभव करता है तो उसको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कौन है, सारा सार है ये, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। चलते 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 मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है, मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है, मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। मैंने तो अब हमारा होमवर्क है और मैं चाहूंगी अब हमारी फरिश्ता बहन शरीन बहन का हम स्वागत करेंगे। ओम शांति सभी का। ओम शांति दीदी, बहुत ही सुंदर कहानी थी जो मैंने कई बार सुनी है, कैसे दादी ने सब उसकी बहुत डिटेल है जो मैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बारे में वो जो सेंटेंस जो था जो कि बहन ने कहा कि शक्ति वापस जा, रिटर्न शक्ति, और अपनी And it goes in with today what Didi was sharing and what our point for tomorrow is, that Baba is really the God of everyone. Baba to sabhi ka pita hai. And a few things that Didi shared is really interesting. Didi ne kaha Baba is benevolent and merciful. Baba kalyankari hai. लेकिन इसी के साथ वो सभी की विशेषताएं देखता है जो हम नहीं देख पाते अपने में। तो बाबा सभी का है और हम बाबा के हैं, केवल वो मेरा बाबा नहीं, सभी का बाबा। और ये कहानी है जो कुमार का दादी की, कि वो न्यूयॉर्क आए थे और उस स्थापना के लिए। तो मैं सोच रही थी कि
very peaceful to be able to have yoga. ये हमें योग करने के लिए बहुत ही शांत स्वरूप रहना होगा. जो दीदी ने बताया कि हम जो साइकिल में आते हैं ये चक्र में जो प्रतिरोध के और हम रिएक्ट करते हैं उसके चक्र में ना आए हम. तो अब इसी के साथ हम अपना होमवर्क देखेंगे कल के लिए. सर्वेश्वर द गॉड ऑफ ऑल निराकार भगवान सर्वेश्वर बाप दादा विश्व के स्नेही बने मैं सबके सहयोगी बने. बाप तो सभी का है ना उस पर सबका हक है. Let's do our meditation. अब हम अपना मेडिटेशन करते हैं. सर्वेश्वर द गॉड ऑफ ऑल सर्वेश्वर विश्व के स्नेही बने वे सबके सहयोगी बने. बाप तो सभी का है ना उस पर सबका हक है. He is cooperative with everyone. The Father belongs to everyone. Everyone has a right over Him. भगवान वाच सर्वेश्वर बाप दादा विश्व के स्नेही बने वह सबके सहयोगी बने बाप तो सभी का है ना उस पर सबका हक है. Shh.